ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे अब पूछ रहे हैं ये खत्म कब होगा, केसेस का पीक कब होगा इंडिया में, और पीक के बाद जाहिर है डिक्लाइन भी होगा। आपके अंडरस्टैंडिंग में वो पीक कब एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम देखें तो एक हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसलिए हम कई अलग अलग क्षेत्र अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे। जी अगर हम अभी वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे केसेस स्टेबलाइज होके कुछ हद तक कम होने शुरू हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तो अब ऐसा लगता है जैसे पीक आ गया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो उसमें मुझे लगता है अभी कुछ दिन और लगेंगे। हो सकता है कि मिडिल ऑफ दिस मंथ तक शायद पीक आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हैं जिससे वायरस को आगे फैलने ना दें। लेकिन डर यही है कि फिर जो पैंडेमिक है थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ ना फैले, कि वहां पे केसेस बढ़ना शुरू हो। असम और बंगाल में देखें तो वहां पे अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि पीक जो है वो हर एक अलग अलग एरियाज में थोड़ा से अलग अलग टाइम में आएगा, लेकिन अगर हम पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं तो अगले इस महीने के एंड तक केसेस कम हो जाने चाहिए। सर, केसेस कम होंगे लेकिन वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने की भी चांसेस है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाए, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकेंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। सर, वैक्सीनेशन डोजेस के शॉर्टेज की बात की गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जुलाई तक ये शॉर्टेज रहेगा, ये कितना बड़ा कंसर्न है? ये कंसर्न है, और ये कंसर्न पहले से ही कुछ लोगों को आइडिया था, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी को ही देख के चीजें समझनी चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की जो कैपेसिटी है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी, वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन प्लांट लगाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाई एंड की है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या और दवाइयां बनाते हैं कि हम एक प्लांट खोल जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफी हाई एंड इक्विपमेंट और की जरूरत पड़ जाती है वैक्सीन बनाने में, इसलिए इसमें जी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उस दौरान में हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैक्सीन्स बाहर बन रही हैं, जो अवेलेबल हैं और जिनको अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें जिससे हमारे वैक्सीन पूल्स बढ़ जाएं, चाहे वो स्पुटनिक वैक्सीन हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो, तो ये भी हमारे पूल में आ जाएं। और साथ साथ ये कैपेसिटी हमारे जो इंडिजिनियस जो लोग भारत में जो बन रही है वैक्सीन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो, भारत बायोटेक की, वो भी उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े और लोग और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके और प्लांट्स में भी वैक्सीन बनना शुरू हो, तभी हम अपने पूरे देश की वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। जी डॉक्टर गुलेरिया, सेकेंड वेव का शायद आपको आइडिया था, लेकिन क्या आपको ये आइडिया था कि 4 लाख केसेस से ज्यादा एक दिन में हमारे देश में देखा जाएगा? तो सेकेंड वेव का बहुत जी लोगों को आइडिया था, बहुत लोग सेकेंड वेव की बात भी कर रहे थे, लेकिन दो चीजें थी। एक चीज तो ये थी कि हमने ये सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख, तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला और पेशेंट्स का टर्न अराउंड टाइम भी था कि जो दाखिल हुए हैं वो 7-8 दिन में जब तक डिस्चार्ज हुए तब तक ही केसेस बढ़े, तो और पेशेंट्स को लेने की कैपेसिटी हमारे पास थी और हम और नए फैसिलिटीज खोल पाए। लेकिन इस दफा एक दो चीजें हुई हैं। एक तो केसेस एकदम बढ़े हैं क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा फैला है, और रेट ऑफ राइज अगर हम स्पाइक को देखें तो स्पाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इसका ये मतलब कि हम 10,000 और 20,000 केसेस से 4 लाख केसेस जो हैं कुछ ही दिनों में इस नंबर पे पहुंचे। इतना ज्यादा नंबर हुआ कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो सडन इतने ज्यादा पेशेंट्स को सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम
मैनेज नहीं कर पाए, और इसलिए चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, उसमें एकदम शॉर्टेज आ गई है। और हम अब पूरी तरह से लगे हैं, हर हॉस्पिटल लगा हुआ है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं जिससे और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएं।